हाय दोस्तों, हम आपको आज ले चलेंगे पक्की बौली जो बागाम है। हमारे पिपरिया गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है पक्की बौली, और वहां पे आप लोग को ले चलेंगे। वहां के हर चीज़ एक दिखाएंगे, इतना चीज़ है आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और अच्छी तरह से हम देखिएगा। अभी हम चलेंगे, निकलेंगे बागाम की तरफ, ठीक है। इसके बाद वहाँ से वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा फर्स्ट ब्लॉग है, थोड़ा सा गलती होगा इसमें तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इस पर जो भी ख़राब होगा उसे कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर। हाँ दोस्तों, हम अभी अभी आ गए हैं पक्की बौली में। ये जो देख रहे हैं, ये एक मंदिर है जो मुख्य मंदिर नहीं है, हमारे सामने है पक्की बौली मंदिर के सामने। और ये जो रहा हमारा मुख्य मंदिर है, यानी कि मेन मंदिर जो हमारा है यही है। हम अभी इसके अंदर हम चलेंगे और इसके पास में चलकर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा दिखता है। चलते हैं इसके पास में, और यहाँ पे कुछ लोग बैठकर खेल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा किस तरह दिखता है यहाँ पर। और यहाँ मंदिर को हम पास से दिखाना चाहते हैं, देखिएगा एक बार। ये जो कुआं है ये अंदर, ये आगे तालाब है मंदिर के आगे, और मंदिर के आगे का हिस्सा यहाँ दिख इस तरह दिखता है कुछ। अब हम अंदर चलेंगे, इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या है। अभी हम अंदर आ चुके हैं, देखिए मंदिर के अंदर का है हिस्सा। और यहाँ पे एक शंकर जी का शिवलिंग है, और यहाँ पे हवन वन होता है। इसके बाद हम इसके चारों तरफ घूमते हैं। अभी मंदिर के हम दाएं साइड आए हैं, और यहाँ पर देखिए मोटर वोटर कल वल है, यहाँ पे पाइप सफाई का काम चल रहा है अभी। क्यों कहें कि यहाँ पे अभी पड़ने वाला है आपको शिवरात्रि है। यहाँ पे देखिए पानी चू रहा है शिवलिंग पे अंदर। ये हमारा यही मेन मंदिर है, स्थान है, और इसको नज़दीक से देखिए। और इसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बंद हो चुका है पहले, इसमें आने जाने का रास्ता था ऊपर चढ़ने के लिए। और ये हमारा पाछे से मंदिर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसको नज़दीक करके दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए कबूतर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे चलिए, और यहाँ पे मंदिर है एक, और यह भी मंदिर है। देख लीजिए इसको भी, एक कोने पे पड़ा था, ये भी देख लीजिए। यहाँ किसका गेट है, मेन गेट यही है इस मंदिर का। ये देखिए सब सफाई काम चल रहा है अभी, क्योंकि शिवरात्रि अभी पड़ा हुआ है नज़दीक है। और यहाँ पे हमारा हॉर्न काम होता है, पहले ही आप लोग को बताए हैं। और यहाँ पर शिवलिंग भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इसका पूरा पानी गिरता है आकर। और देखिए यहाँ पे चप्पल निकाल कर सभी लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पीपल का एक पेड़ है, देखिए बहुत ही अच्छा पीपल का एक पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल पेंट कर रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि सामने अभी पड़ने वाला है इसलिए। यहाँ पर देखिए आगे मंदिर के ठीक आगे ही आपको कुआं मिलेगा, और देखिए यहाँ पे सब पेंट उट घुराया है, सब हो रहा है पेंट हमारा मंदिर। और मंदिर के ठीक आगे आपको, और देख लीजिए यहाँ पे बनवाने वाले का नाम लिखा हुआ है पूरा, और यहाँ पर सफाई का भी कार्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण दिख रहा है। आगे चलते हैं हम, और मंदिर के आगे ही बहुत सी खूबसूरत तालाब हैं, और हम आप लोग को ले चल रहे हैं अभी एक पुराने मंदिर की तरफ, जिसे गारंटी नहीं है कब गिर जाएगा ये, लेकिन चलते हैं फिर से भी आप लोग के उसके आप लोग दिखाना है हमको पूरा डिटेल्स इसका। देखिए देखिए कितना ख़राब हो चुका है, इसका मतलब कोई तय नहीं है कब गिर जाएगा ये, लेकिन फिर भी चलते हैं अंदर। देखिए अभी हम जा रहे हैं अंदर, इसमें जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम जा रहे हैं एक बार अंदर। देखिए अंदर गुफा के जैसा है, पहले बहुत पुराना ही बनवाया गया है। जा रहे हैं, देखिएगा गुफा के भी अंदर गुफा बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए कितना जर्जर हो गया है पूरा ये।
पूरा सीमेंट उमेंट झड़ चुका है इसका, और ये अंदर भी लगा हुआ है। देखिए ये पूरा पाछे का ही मंदिर, तो पुराना वाला मंदिर जो है देखिए कितना ख़राब हो चुका है। इस पर और लोग कुछ बैठे हैं, अभी हम इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ेंगे। देखिए अभी जा रहे हैं हम ऊपर। देखिए यहाँ पे पुराना मंदिर का ही पीछे का हिस्सा है, और ये आगे जा रहे हैं अभी हम। देखिए नीचे ऊपर चढ़े हैं अभी हम, मंदिर से ऊपर हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ पर लोग नीचे जा रहे हैं। कुछ सब खत्म हो चुका है, इसका गारंटी नहीं है कब गिर जाएगा ये। देखिए पूरा चिड़िया मतलब पूरा खत्म हो चुका है, इसका कोई तय नहीं है कब गिरेगा ये। यहाँ पर देखिए नीचे टूट के आधा गिर हो चुका है। थोड़ी अब हम नीचे चलते हैं, इसको और दूर से हम जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। देखिए देखिए ऊपर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए कितना ख़राब हो चुका है। नीचे चलते हैं हम। और देखिए यहाँ पे इसी के रास्ते हम गुफा में गए थे, और ये मंदिर का द्वार है जो टूट चुका है। देखिए यहाँ से दूर से जाने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारा मंदिर ही। चलते हैं, यहाँ पे पास में ही बहुत बड़ा तालाब है जो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ लीची का बहुत ज़्यादा ही पेड़ है हमारे, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगा हुआ है लीची का। और हम यहाँ पर देखिए अपना फ़ोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे आपको बताया थे शुरू में एक मंदिर है जो हमारा मुख्य मंदिर नहीं है, लेकिन उसमें भी जाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को दिखाने की पूरा कोशिश करेंगे। देखिए इसको भी किस तरह का मंदिर है यार। चलते हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए बना दी गया है, बैठ सकता है कोई, जगह जगह पर इस मंदिर में बनाया गया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे कुआं भी है, कुआं को देख लेते हैं किस तरह से कुआं दिख रहा है हमारा। इसके अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा अंदर इसका। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ मंदिर की ओर। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा हिल चुका है, पर कोई बात नहीं। हम मुख्य गेट पर आ चुके हैं, इसको अंदर से देखने की कोशिश कीजिएगा, जूम करके दिखा रहे हैं। अब बाहर निकलेंगे मंदिर से, मंदिर के आगे का हिस्सा है जो आप लोग देख सकते हैं। अभी जो हम आए हैं इधर, देखिए मेन गेट है, इस मंदिर का मेन गेट था। और यहाँ पे इस मंदिर का इस देख लीजिए कुछ इस प्रकार का दिख रहा है मंदिर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग से बहुत पहले ही बैठे बनाए थे। और देख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक गेट है जिससे बाहर जाते हैं। और यहाँ पे हमारा मंदिर था जो मेन मंदिर था वो पूरा। हमारा ये वीडियो समाप्त होने वाला है, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।